ये देखिए लाइट कैमरा एक्शन हो शुरू हो चुका है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप कभी मलेरिया, टाइफाइड, कोविड 19 किसी भी आप डिजीज जब आपको हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर लिखता है भाई आप जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। तो जो ब्लड है उसका टेस्ट करवाना है कि जो ब्लड का केमिकल कंपोजिशन है, जो हमारा ब्लड है, क्या उस पर किसी तरह का कोई जो है नया पैथोजन तो इंटर नहीं कर गया है। जैसे कोविड 19 है तो इसको कैसे पता करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कोविड 19 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोविड 19 को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जब हमको इसके सिम्टम्स ढेर सारे डेवलप हो जाते हैं, छींक आती है, ज्वाइंट से पेन होता है, सूखी खांसी आती है, तो हम जाके ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट करवाते हैं या माउथ से सैंपल लिया जाता है जिसमें हम पता करते हैं कि कोविड 19 के अगेंस्ट यहाँ पर एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी है। तो वो जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पर बनती है, वो एंटीबॉडी ब्लड में बनती है। अगर जिस व्यक्ति में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है उसकी एंटीबॉडी कोविड 19 को किल कर देती है, और अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है तो कोविड 19 उसे किल कर देता है तो आइए चैप्टर में, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम एक चैप्टर है आपके क्लास 11th में बेटेज का चैप्टर है, इसमें हार्ट पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, लिम्फ पढ़ना है, सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन लेनी है। 2 से 3 क्वेश्चन नीट में लेके आता है और हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को साफ साफ क्लियर करते चलते जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं हो, ऐसी लाइन नहीं हो जो आपको नहीं आनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आगे ही बढ़ के लिख दिया है, लेकिन उसके पहले आपको कुछ कुछ ब्रांचेस बायो की सीखनी है। जैसे जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, कभी भी आप देखिए ब्लड टेस्ट कराने जब जाते हैं तो जब पूरा ब्लड टेस्ट हो जाता है तो आप देखिए नीचे जो व्यक्ति जो ब्लड टेस्ट करता है वहां पर देखिए नीचे हेडिंग लगी रहती है हेमाटोलॉजिस्ट। हेमाटोलॉजिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो है ब्लड का एक्सपर्ट है, ब्लड का जो केमिकल कंपोजिशन है, ब्लड के फंक्शन है, ब्लड में जो भी चीजें हैं उसको वो अच्छे से जानता है। तो हेमाटोलॉजी माने होता है स्टडी ऑफ ब्लड। अगर आप ब्लड की स्टडी कर रहे हैं तो साइंस की इस ब्रांच को हम लोग हेमाटोलॉजी कहते हैं। ये देखिए हेमाटोलॉजी कहते हैं ब्लड को, ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमाटोलॉजी कहते हैं। ऐसे दूसरा देखिए एक और होता है जिसे लिम्फेटोलॉजी कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो नाम ही खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि लिम्फेटोलॉजी माने क्या है, स्टडी ऑफ लिम्फ। तो अब आपको इस चैप्टर में लिम्फ देखना है, आपको ब्लड देखना है, ये देखिए। फिर आपसे और भी कुछ कुछ पूछा जाएगा कि भाई कार्डियोलॉजी माने क्या होती है। तो आप कहेंगे सर देखिए सारी ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो कार्डियोलॉजी माने हुआ स्टडी ऑफ हार्ट। मतलब अगर आप हार्ट की स्टडी कर रहे हैं, हार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसकी जो स्टडी है उसे हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये देखिए कार्डियोलॉजी माने स्टडी ऑफ हार्ट हुआ। इसी तरह से एक लॉजी और है उसको भी सीख लीजिए, तो आपको चारों लॉजी इस चैप्टर के आने लगेंगे। एंजियोलॉजी है, एंजियोलॉजी माने हुआ स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड वेसल्स की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स माने आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज की स्टडी कर रहे हैं। वेसल्स में 3 है, आपने जनरल पढ़ा होगा, एक होती है जिन्हें आर्टरीज कहा जाता है, एक होती है जिन्हें वेंस कहा जाता है, और एक तीसरी और होती है जिन्हें कैपिलरीज कहा जाता है। ये वो पाइप्स हैं जिनके द्वारा ब्लड को बॉडी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जिनमें ये पाई जाती है उनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिनमें ये नहीं पाई जाती है उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये 4 लॉजी है जो आपको ब्लड में पढ़ना है। अब आइए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में डिटेल। तो अगर आप ब्लड को देखें तो ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं, यही से शुरू होती है कॉन्सेप्ट। हीमोपोइसिस माने हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर हीमोपोइसिस माने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग हीमोपोइसिस कहते हैं। सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट लिखा, तो अगर आपसे कोई कहे देखिए हीम टर्म लग गया तो आप जान लीजिए ब्लड की बात शुरू हो गई है। तो हीमोफाइसिस माने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम, पूरी बात लिख देते हैं, फ्रॉम रेड बोन मेरो या फ्रॉम बोन मेरो ऑफ बोन मेरो लिख देते हैं, बस परफेक्ट है, फ्रॉम बोन मेरो। तो इसका मतलब यह है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है बोन मेरो से होता है और इसके फॉर्मेशन को हम लोग हीमोफाइसिस कहते हैं। अब हीमोपोइसिस के बारे में इतने काम नहीं चलेगा,
अब बॉडी में देखना है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले देखिए ब्लड के फॉर्मेशन जो हीमोपाइसिस है, जो हीमोपाइसिस है, सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन योकशैक में होता है, फीटल कंडीशन में। मतलब जब हम फीटल कंडीशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हमारी एक स्ट्रेम रनिंग मेम्ब्रेन है जिसका नाम योकशैक है। सबसे पहले फीटस में ब्लड का फॉर्मेशन योकशैक से होता है। बेबी जब पैदा हो जाता है तो ये देखिए लीवर में ब्लड का फॉर्मेशन होता है इन्फेंट में। ये देखिए इन्फेंट में जो लीवर का जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। फिर ये देखिए स्प्लीन में फॉर्मेशन होता है, स्प्लीन को भी स्प्लीन को हम ग्रेड या ग्रेवियर फार्मेसी भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है। अगर आप चाहें तो स्प्लीन के लिए एक शब्द और लिख सकते हैं कि इसे हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये देखिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ग्रेवियर ऑफ आरबीसी कहते हैं। तो जब कोई चाइल्ड होता है तो उसके उसमें जो है स्प्लीन के द्वारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है एडल्ट हो जाता है तो ये देखो बेटा तब उसमें ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो से होता है। इस तरह से अगर आप देखें तो ये वो चार साइट्स हैं हमारी बॉडी में, वो चार अलग कंडीशंस हैं बॉडी के, अलग अलग फेज हैं जब ब्लड का फॉर्मेशन अलग अलग जगहों पर हो रहा है। मतलब वो जब फीटस है माँ के यूट्रस में सर्वाइव कर रहा था योकशैक से बच्चा पैदा हो गया, इन्फेंट 6 महीने के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, तो लीवर से फॉर्मेशन हो रहा है, चाइल्ड है तो स्प्लीन से फॉर्मेशन हो रहा है, बोन मैरो है तो एडल्ट से फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर फ्रॉग के केस पे देखे तो हमेशा लीवर से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये स्पेशल केस है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया फ्रॉग किस केस का है, तो आप कहें फ्रॉग तो एम्फीबियन है। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। तो फ्रॉग में ब्लड का फॉर्मेशन कहां से होता है? लीवर से होता है। तो वो ऑर्गन्स जिनसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इन ऑर्गन्स को, ये जो आप नाम देख रहे हैं, इन सारे ऑर्गन्स को हम लोग हीमोपोइटिक ऑर्गन्स कहते हैं। कौन से ऑर्गन्स? हीमोपोइटिक ऑर्गन्स कहते हैं। ये देखिए हीमोपोइटिक ऑर्गन्स इन्हें कहते हैं। तो अब ये मैंने आपको बेसिक बात बताई। अब आइए देखा जाए ब्लड के बारे में देखा जाए तो ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एनसीईआरटी कहती है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे अभी सबसे पहले लिखा। अगर आप दूसरा देखें तो इसकी जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मिस है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी ओरिजिन मेसोडर्मिस से होती है। किससे होती है? मेसोडर्मिस। मतलब ब्लड की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मिस से होती है। एक चीज आप कह सकते हैं और इसे हम लोग कभी कभी फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ऐसा इसलिए है। आप क्लास 11 एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टिश्यू वाले चैप्टर में, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। कैसे टिश्यू है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। आपको यह ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने कहा कि आपसे ब्लड जो है वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी है क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके जो टॉपिक है हम लोग ब्लड में पढ़ते हैं कि ब्लड का वैल्यूम क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में ब्लड का वैल्यूम क्या होता है। ब्लड का वैल्यूम मतलब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का अमाउंट कितना है। तो अगर आप ब्लड का वैल्यूम देखते हैं तो अगर मेल में देखें तो ये जो ब्लड है ये 5 से 5.5 लीटर है। मतलब मेल में ब्लड का अमाउंट 5 से 5.5 लीटर है पूरी बॉडी में। लेकिन अगर आप फीमेल में देखें, तो ये अमाउंट कम होता है, लगभग 5 लीटर के आसपास होता है या इससे भी कम होता है। आप पूछेंगे फीमेल में ब्लड का वैल्यूम कम क्यों है? तो ब्लड का वैल्यूम इसलिए है क्योंकि ड्यू टू अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है तो आप कहेंगे ड्यू टू loss of blood
ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब इनपे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक चक्र आता है, तो उस समय फीमेल्स में ब्लड का लॉस होता है, ठीक ठाक ब्लड लॉस होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि फीमेल्स में ब्लड का अमाउंट कम होता है और मेल पे ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है। एक बात और यहाँ रखिए, हिली एरियाज में, जो पहाड़ी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, उन जगहों पर हिली एरियाज में ब्लड का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए उन लोगों के जो चीक होते हैं वो रोजी चीक होते हैं। रोजी चीक माने गुलाबी गाल, उनके गुलाबी गाल इसलिए होते हैं कि उनमें ब्लड का अमाउंट ज्यादा होता है। हाई अल्टीट्यूड पर भी ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये रहा आपके यहाँ ब्लड का वॉल्यूम क्या है। ब्लड के वॉल्यूम के बाद अगला जो है कि भाई ब्लड का पीएच क्या है। तो अगर आप ब्लड का पीएच देखें तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए स्लाइटली एल्कलाइन है, मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन है। ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 है, ये देखिए 7.4 है। अगर आपसे कोई पूछे इसका रेगुलेशन कौन करता है, पीएच मेंटेन कौन करता है, तो अगर आप इसका रेगुलेशन लिखना चाहते हैं तो फट से लिख दें। आप रिस्पिरेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे कि इसका जो रेगुलेशन है, ब्लड का जो पीएच का रेगुलेशन है वो होता है क्लोराइड शिफ्ट होती है, एक प्रक्रिया होती है, अभी आप पढ़ेंगे। या इसी प्रक्रिया को हैमबर्गर फिनामिना कहते हैं, मतलब एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ब्लड का पीएच मेंटेन किया जाता है। अभी आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, ये प्रक्रिया हम लोग अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 है, रेगुलेशन जो है इसका पीएच का क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनामिना के द्वारा होता है। अगर आप इसका टेस्ट देखें, तो इसका जो टेस्ट है वो साल्टी है। बचपन में आपको याद हो जब आपको चोट लगती थी तो आप अपना खून पी जाते थे हल्का सा और कहते थे कि हमारा जो ब्लड है हमारी बॉडी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने ब्लड को पी लिया है चोट लगने पे, तो वो ब्लड की जितनी भी सेल्स है बॉडी में जाकर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएंगी, फिर से उनका सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा और सिंपल फॉर्म इंटेस्टाइन फिर से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये हो गया ब्लड का पीएच, ये हो गया टेस्ट, दो चीजें हो गई। इसके बाद ये देखिए जो ब्लड का वॉल्यूम है, अगर आप ब्लड देखें इसका कलर अगर आप देख लें तो इसका जो कलर है ये रेड कलर का है। तो रेड कलर का इसलिए है, इसका जो कलर है ये रेड कलर का है, ऐसा इसलिए है, ये देखिए ऐसा इसलिए है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ब्लड के अंदर, उसी हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है, ये देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब आप एक बार फिर से देख लें मैंने ब्लड के बारे में क्या क्या बताई आपको बातें, कि ये चार ब्रांच है ब्लड की, हीमेटोलॉजी ब्लड की स्टडी, लिम्फेटोलॉजी लिम्फ की स्टडी, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी, एंजियोलॉजी ब्लड वेसल्स की स्टडी, हीमोपोइसिस माने फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम बोन मैरो, योकशेक जो है फीटस, जब फीटल कंडीशन में होगा तो योकशेक से ब्लड का फॉर्मेशन, इन्फेंट कंडीशन में होगा तो लीवर से फॉर्मेशन, चाइल्डहुड होगा तो स्प्लीन से फॉर्मेशन, एडल्ट होगा तो बोन मैरो से फॉर्मेशन, फ्रॉग के केस में लीवर से हमेशा ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी ओरिजिन मेसोडर्म से होती है, इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी में है क्योंकि इसमें फाइबर सब्सेंट है। ब्लड का वॉल्यूम मेन में 5.5 लीटर है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। हिली एरियाज में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, हिली एरियाज में। और एक चीज और लिख सकते हैं हाई अल्टीट्यूड में, मतलब ऊपर जाने पर भी ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड का पीएच जो है 7.4 है, जिसका रेगुलेशन क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनामिना करती है। टेस्ट इसका साल्टी है, मतलब साल्टी टेस्ट है। कलर इसका रेड कलर है, ये भी आपको देखना है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो ब्लड है इस ब्लड में 92 अगर प्लाज्मा में देखा जाए तो 90 से लेके 92% वाटर होता है, 90 से लेके 92% वाटर होता है। तो आपसे पूछेगा कि इसे हम लोग ये वाटर का वॉल्यूम कौन मेंटेन करता है, तो अगर आपको इसका रेगुलेशन लिखना है तो देखिए ब्लड वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय एडीएच,
ये हार्मोन है जिसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। आप मेरा एंडोक्राइन का जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो एडीएच हार्मोन है, इसी को हम लोग वैसोप्रेशन कहते हैं। ये इस ब्लड के वॉल्यूम को या ब्लड के वाटर के अमाउंट को हमेशा मेंटेन करता है। तो ये रही बेसिक सी बात, आइए हम आपको सिखाते हैं ब्लड का केमिकल कंपोजिशन क्या है। आइए देखा जाए ब्लड का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, क्या है जिससे ब्लड बनता है। आइए देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। तो ब्लड अगर आप देखें तो इस ब्लड में तीन चीजें होती है। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको चाहे जितना ज्ञान हो आप उस ज्ञान के पीछे ना पढ़े, आप सिर्फ एनसीईआरटी के पीछे पढ़े, ठीक वैसे पढ़े जैसे आप किसी और के पीछे पढ़ते हैं। तो जब आप ब्लड देखते हैं तो इसमें सबसे पहले ब्लड में सबसे पहली जो है एक चीज होती है जो ब्लड की प्लाज्मा होती है। सबसे पहले यही ब्लड का प्लाज्मा होता है। अगर आपसे कोई पूछे ब्लड प्लाज्मा तो कह दीजिए जी हाँ, ये जो ब्लड का प्लाज्मा है एनसीईआरटी ने इसका कलर भी लिखा है कि भाई ये एक्स्ट्रा कलर्ड होती है। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम परेशान हो रहे हैं, हम आपको परेशान नहीं होने देंगे, इसलिए आपको सब कुछ चीजें बहुत बेसिक तरीके से सीखनी है। तो ये जो ब्लड का प्लाज्मा है पूरे ब्लड का आप एनसीईआरटी कंफर्म करेंगे 55% है, मतलब पूरे ब्लड का जो प्लाज्मा है वो 55% है। एनसीईआरटी कहती है कि इस ब्लड में दूसरी चीज है जिसे हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं, इसके किसी भी परसेंटेज के बारे में एनसीईआरटी ने नहीं एक्सप्लेन किया है। तीसरी जो सेल्स है ब्लड के अंदर उन्हें हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें वो तीनों तरह की सेल्स आती हैं। अगर आप देखें तो पूरे ब्लड का ये 45% बनाती है। तो क्योंकि इसको बड़ा लिखना है, फॉर्म्ड एलिमेंट छोटे हैं, तो पहले हम वही निपटा देते हैं। इनका डिटेल अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा जिसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो आरबीसी है। अगर आप इसका नाम देखें तो इसका पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये देखिए रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, या इसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रो शब्द कभी भी लिख जाए है एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डिटेल अभी देखा जाएगा। दूसरी जो सेल्स होती हैं जिनकी साइज सबसे बड़ी है वो WBC है। अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल्स है। ध्यान रखें इन्हें कभी भी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं लिखा जाता है, लोग गलती करते हैं। आरबीसी को कॉर्पसेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। WBC को अभी भी कॉर्पसेल्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस हमेशा होता है। ये सफेद कलर की होती है इसलिए इनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये देखिए जो तीसरी सेल है उसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टूटे हुए शीशे के टुकड़े जैसे दिखाई पड़ती है। इनकी प्लॉयडी सबसे ज्यादा होती है 64N टाइप की। तो ये प्लेटलेट्स, इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। ये तीनों सेल्स पूरे ब्लड का 45% बनाती हैं। आपको तीनों सेल्स के बारे में सबसे पहले याद करना चाहिए, कहीं भी किसी तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। आरबीसी है, WBC है और प्लेटलेट्स है। इसकी सबसे ज्यादा संख्या है, इसकी साइज सबसे ज्यादा है, इसकी प्लॉयडी सबसे ज्यादा है। तीनों सेल्स मिला के ब्लड का 45% बनाती हैं। अब ये जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें जो वाटर है, जो पानी है, वाटर है, वो पूरे प्लाज्मा का 90-92% है। आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी करना है, याद करना है। मैं आपको प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन पढ़ा रहा हूं। दूसरा देखिए, इसमें ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है। जितने भी प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन हमेशा लीवर से होता है। ध्यान रखें, मैं इस बात को बल्कि लिख देता हूं कि फॉर्मड बाय लीवर। जितने भी प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन हमेशा लीवर से होता है। ये देखिए फॉर्मड बाय लीवर। तीन तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तीनों के मैं नाम लिखता हूं, तीनों के एनसीईआरटी में नाम लिखा है। पहली है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है, ये देखिए एल्ब्यूमिन है, ये पहली है। दूसरी है जिसका नाम ग्लोब्यूलिन है, आप ये देखिए, और तीसरी है जिसका नाम फाइब्रिनोजन है,
अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में तीनों का नाम लिखा हुआ है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोजन। नीट ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि इन तीनों के फंक्शन क्या है। तो ग्लोब्यूलिन का जो फंक्शन है वो डिफेंस में है, मतलब ये डिफेंस में काम करती है। फाइब्रोजन का जो फंक्शन है ये ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करती है। एल्ब्यूमिन जो है ये मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये देखिए ऑस्मोलरिटी या ऑस्मोसिस, मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी है, हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी है, तो हमारा जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, मतलब एक लीटर में ब्लड में 300 मिली ऑस्मोल है। अगर आपसे कोई पूछे इसकी ऑस्मोलरिटी कौन मेंटेन करता है, तो आप चाहे यहां लिख लें ब्लड ऑस्मोलरिटी इज मेंटेन बाय किडनी, इज मेंटेन बाय किडनी। जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी है इसका मेंटेनेंस किडनी देखती है, मतलब किडनी का एक फंक्शन केवल यही नहीं है कि वो एक्सक्रीशन करती है। जनरली जो बेवकूफ लोग होते हैं जो दिमाग से पैदल होते हैं तो हमेशा एक ही बात बोलते हैं किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन है, ये कौन कहते हैं बेवकूफ लोग। लेकिन जो आपकी तरह होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, वो कहते हैं कि किडनी का एक बड़ा फंक्शन है कि वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी को भी मेंटेन करती है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजन, अगर आप देखेंगे तो इन तीनों प्रोटीन्स का जिक्र आपकी एनसीईआरटी ने किया है, तो आपको एटलीस्ट तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए। फिर देखिए इस ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमेशा सिंपल फॉर्म में होंगी, ये डाइजेस्ट होती और एब्जॉर्ब हुई होती है, मतलब एब्जॉर्प्शन में जो चीजें आती हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं होती हैं। उसमें सबसे पहले ग्लूकोज है, कभी भी यहाँ सुक्रोज या ऐसी कोई बात नहीं लिखेंगे, केवल मोनोसैकेराइड्स होती हैं। फैटी एसिड्स हैं, ये देखिए फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसराल है, फैटी एसिड है, ग्लिसराल है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, ग्लिसराल है, अमीनो एसिड, ये वो फॉर्म है जो सिंपल है और जिनका डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ है। इससे फायदा क्या है, अगर आप देखें तो इस ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, जीवन की नदी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हर सेल के द्वारा हर सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, हर सेल में ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसराल, अमीनो एसिड भेजा जाएगा। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन जो है, ग्लूकोज का अगर हायर कंसंट्रेशन है तो इसे इंसुलिन कंट्रोल करता है, डिपॉजिट करा देता है, कम है तो ग्लूकागन इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। फैटी एसिड, ग्लिसराल, अमीनो एसिड। न्यूट्रिएंट्स के बाद अगर आप आयंस देखें तो ब्लड में चार पांच तरह के आयंस हैं। सबसे पहले कैल्शियम आयन है, अगर आप इसका फंक्शन देखें तो क्लॉटिंग में काम करता है। मैग्नीशियम आयन है, कोफैक्टर का काम करता है। बाइकार्बोनेट है, ये CO2 ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड शिफ्ट में काम करता है। तो ये चार आयन है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये चार आयंस हैं जो ब्लड में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फंक्शन सुन लीजिए, क्लॉटिंग में काम करता है, कोफैक्टर का काम करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड में pH मेंटेन करता है, क्लोराइड आयन। फिर देखिए आयंस के बाद ब्लड में गैसेस है, ये गैसेस अलग अलग कंडीशन में है, O2 है, CO2 है और नाइट्रोजन है। ये तीन गैसेस हैं जो ब्लड में पाई जाती है, इनका अलग अलग पार्शियल प्रेशर है अलग अलग जगहों पे। गैसेस के बाद अगर आप देखें तो गैसेस के बाद एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, चाहे आप इन्हें एंटीबॉडीज कहें और चाहे आप इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिंस कहते हैं। अगर आप इनका नाम देखें तो ये IgA है, IgG है, IgM है, IgD है और IgE है। ये देखिए ये एंटीबॉडीज अलग अलग केसेस में अलग अलग होती हैं। इनका फार्मूला जो होता है वो गमदे होता है, गमदे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सब ज्यादा कंसंट्रेशन IgG का, फिर IgA का, फिर IgM का, फिर IgD का, फिर IgE का। एंटीबॉडीज के बाद इस ब्लड में
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है जिनको ये ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस ब्लड का फंक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या काम है। अगर आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो ये यूरिया है। सबसे पहले तो अगर आपको यूरिया के बारे में लिखना है तो यहां पर ऐसे लिख लें कि यूरिया का ऐसे लिख लें कि हायर कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां होता है, तो यूरिया का हायर कंसंट्रेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे नाम लिख दीजिएगा। ये बहुत क्वेश्चन आता है, छोटे मोटे चुटकुले टाइप के जो प्रश्न होते हैं आपसे पूछा जाएगा हिपेटिक वेन में। लेकिन इसका लीस्ट कंसंट्रेशन मतलब सबसे कम कंसंट्रेशन बॉडी कहां होता है, फट से लिखेगा रीनल वेन में। अगर आपको इन वेन्स का आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूं, किडनी के आगे जो वेन बनती है उसे रीनल वेन कहते हैं, लीवर के आगे जो वेन बनती है उसे हिपेटिक वेन कहते हैं। फिर ये देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, और भी चीजें हैं, हिप्यूरिक एसिड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है, और क्रिएटिनिन है। ये जो क्रिएटिनिन है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मसल्स है। क्या है अगर आप इसके बारे में लिखना है तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर दें कि सर मुझे तो जो एक्सप्लेन किया गया वो ये है कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मसल्स है, मसल्स में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मसल्स है, इसलिए आपको ये भी बात आनी चाहिए। इसके प्लाज्मा में भी चीज पाई जाती है। एक्सक्रीटरी बेस्ड प्रोडक्ट के बाद इस ब्लड में और क्या है ये भी आप देख लें। बहुत सारी चीजें प्लाज्मा में होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको सारी बातें अच्छे से सीखनी है। ये देखिए रेगुलेटरी सब्सटेंस है, रेगुलेटरी सब्सटेंस है, रेगुलेटरी सब्सटेंस मतलब वो चीजें जो हमारे ब्लड में होने वाली रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो रेगुलेटरी सब्सटेंस पे दो नाम आते हैं, एक तो इनमें हार्मोन्स है, आपको मैंने कई बार पढ़ाया कि हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है, और दूसरा इसमें एंजाइम्स पड़े हुए हैं। ये देखिए हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं जिन्हें रेगुलेटरी सब्सटेंस कहते हैं। इसके बाद ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स ये वो होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर मैं एक नाम बता देता हूं तो ये नाम है जिसका नाम फाइब्रिनोजन है। फाइब्रिनोजन है जो एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है। ये देखिए क्लॉटिंग फैक्टर है, तो अगर आप नाम देख लें तो ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, ये इतने सब्सटेंस है। एक और लास्ट लिख देता हूं, मैं नाम केवल लिख देता हूं, एंटीकॉगुलेंट है। ये वो फैक्टर है जो क्लॉटिंग को रोकता है। ये एंटीकॉगुलेंट का नाम हिपेरिन है। अगर आप जानते होंगे इसका फॉर्मेशन लीवर से होता है, मैंने फट से लिख दिया, जगह कम है, मैंने सारी बातें नोट कर दी। तो अब आपके सामने ब्लड का एक सिंपल सा केमिकल कंपोजिशन पूरा ग्राफ चार्ट है, समझना है। वाटर है, ब्लड के प्लाज्मा के प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, गैसेस हैं, एंटीबॉडीज हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी सब्सटेंस हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, एंटीकॉगुलेंट हैं। इतनी चीजें हैं जो ब्लड में पड़ी हुई हैं। अब इस ब्लड का कलर रेड क्यों है, उस आरबीसी के कारण। इस ब्लड का डिफेंस का काम कौन देखता है, डब्ल्यूबीसी। इस ब्लड में क्लॉटिंग का काम कौन देखता है, प्लेटलेट्स। इस ब्लड में वाटर का बैलेंस कौन देखता है, किडनी। प्लाज्मा के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर। न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं, एब्जॉर्प्शन से, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाते हैं। आयंस का फॉर्मेशन कहां होता है, वाटर से आता है। गैसेस सांस लेने या सांस छोड़ने से आती हैं। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स करती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया का फॉर्मेशन लीवर करता है। रेगुलेटरी सब्सटेंस हार्मोन्स का फंक्शन सिक्रीशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं, एंजाइम्स का सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स और एंटीकॉगुलेंट्स, इन दोनों का फॉर्मेशन लीवर से होता है। ये पूरा एक केमिकल कंपोजिशन है ब्लड का। अब आपको इस केमिकल कंपोजिशन में तीन मिलते जुलते शब्द आपको सीखने पड़ते हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आप नहीं सीख पाएंगे तो बहुत ही दुर्भाग्य होगा, हमें लगेगा कि शायद हम आपको सिखा नहीं पाए। वो कौन कौन सी तीन बातें आपको जो सीखनी है, आपको सबसे पहले सीखना है कि लिम्फ क्या है। तो अगर आपसे कोई पीछे लिम्फ क्या है, अब आप पहले ये बात समझें कि इस पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इस बोर्ड पे जो बना हुआ है, ये पूरा ब्लड का केमिकल कंपोजिशन है, पूरे ब्लड का केमिकल कंपोजिशन है, मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। तो अगर आप लिम्फ देखें
तो ये जो लिम्फ है, कैसे हम कहेंगे ब्लड से लिम्फ क्या होता है, तो इस पूरे ब्लड के केमिकल कंपोजिशन से आप आरबीसी निकाल दें। ये पूरा ब्लड है, निकाल दीजिए इसमें केवल एक चीज आरबीसी। तो अगर आपने आरबीसी निकाल दिया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, सफेद कलर का हो जाएगा। लेकिन भाषा में लिम्फ का मतलब ही व्हाइट होता है, तो अगर आपको लिम्फ बनाना है तो केवल क्या निकालेंगे, आरबीसी। मैंने फार्मूला लिख दिया कि ब्लड से अगर आरबीसी निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ वो लिम्फ है। दूसरा देखें, एक शब्द होता है जिसे हम लोग सीरम कहते हैं। इस समय कोविड 19 में आप देखिए साइंटिस्ट सीरम से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा हूं आप सुन लीजिएगा ध्यान से, इस बात को समझ लीजिएगा कि सीरम क्या है। तो अब अगर आपको सीरम एक्सप्लेन करना है तो आप कुछ मत करिए, यहां लिखिए ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब अगर ये बात है, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले आपको शब्दों को समझना चाहिए। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आपकी हालत ऐसी होगी जैसे किसी ने कहा कि हमारे स्वजन आए हैं। तो अगर हमारे स्वजन आए हैं तो स्वजन माने अपने लोग आए हैं। ये शब्द हैं जो आपको नोचते हैं, खा जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने कहा कि हमारे स्वजन आए हैं तो इसका मतलब हमारे कुत्ते आए हैं। स्व माने श्वान माने कुत्ता होता है। तो अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो मैं कहूंगा कुछ कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, आप कहेंगे दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि लिम्फ और सीरम में क्या डिफरेंस है। लिम्फ में इस पूरे ब्लड से आपको अगर मैं ये आरबीसी मिटा दूं तो जितने बच्चे को पूरे लिम्फ है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सीरम ब्लड के प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे, तो ब्लड के प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दे मतलब सीरम की स्टडी ये है, इसमें कहीं क्लॉटिंग फैक्टर लिखा है, बोलिए हाँ। अगर आप निकाल देंगे तो जितना बचा हुआ है वो सबका सब सीरम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरम अगर आपने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया तो इसमें कौन क्लॉट करेगा। आप बोलेंगे सर लिम्फ तो क्लॉट कर सकता है लेकिन सीरम क्लॉट नहीं कर सकता है। सीरम की स्टडी को सीरोलॉजी कहते हैं, लिम्फ की स्टडी को लिम्फेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड और लिम्फ को मिला के हम लोग बॉडी टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी टिश्यूज कहते हैं। ये एक सिंपल सा केमिकल कंपोजिशन है जिसको आपकी इस एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपको कहूं लिम्फ का फंक्शन क्या है तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, आप कहेंगे सर ये देखिए ये डिफेंस का काम देखती है, क्लॉटिंग में मदद करती है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है, आयंस का एक्सचेंज करती है ट्रांसपोर्ट करती है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करती है, एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज तो डब्ल्यूबीसी बनाती है, डिफेंस का काम देखती है, स्क्रीटी ब्रेस्ट प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट करती है, किडनी से फिल्टर करवाती है, हार्मोन्स एंजाइम्स हैं जिनको हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर हमें चोट लग जाती है तो क्लॉटिंग करवाती है, हमें चोट नहीं लगनी होती तो एंटीकोगुलेंट हेपरिन है। अभी मैं इस समय खड़ा हूं मेरी बॉडी में कहीं चोट नहीं लगी है तो इसमें कौन एक्टिव है, एंटीकोगुलेंट या कोगुलेंट। तो आप कहेंगे सर इसमें एंटीकोगुलेंट एक्टिव है, कोगुलेंट एक्टिव नहीं, कोगुलेंट मतलब क्लॉटिंग फैक्टर, इसलिए हमारा पूरी बॉडी का ब्लड मूव कर रहा है, पूरी बॉडी का ब्लड मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हमें चोट लग जाए तो कौन सा फैक्टर एक्टिव हो जाएगा, आप कहेंगे सर चोट लगने के बाद क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाएगा लेकिन एंटीकोगुलेंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। ये बात आपको सीखनी है, ये बात समझनी है आपको। शब्दों की मर्यादा है, सीखेंगे तो अच्छा लगेगा।